हेलो गाइस, वेलकम टू जीके पाठशाला। अज आप करन जा रहे हैं सी टेट पेपर टू की इंग्लिश लैंग्वेज वन सोल्व करन जा रहे हैं, जिहदे विच देखो हुण पैरे ने, पैरे तो तुहानू खुद सोल्व करने पैणगे पैसेज ते, ठीक है। इहदे विच पैसेज रीड कर सकते हो तुसीं ते क्वेश्चन आंसर खुद देखने तुसीं, बाकी अंडरलाइन किए हुए आंसर पैरे ने तुसीं खुद रीड कर सकते हो। जे वीडियो वधिया लगे तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो मेरा चैनल। 21 तो 91 तो लैके देखो 99 तक तो कि पैसेज के क्वेश्चन ही ने, सही ऑप्शन लगे हुए पिछे टिक्स लगे हुए सही ऑप्शन ने, जिवें लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स ये आजगा, शॉपकीपर आर इनटॉलरेंट 99 थोड़े क्वेश्चन विचों देख सकते हैं, जिवें डैश इज हैबसर्ड वे हैबसर्ड मीनस, ये हैबसर्ड का मीनजिंग मीन पूछा मीनिंग पूछा, यदा मीनिंग आऊगा अनऑरगनाइज, जो खिलरी पी हो चीज़ को कहने आप अनऑरगनाइज चीज़ कोई भी। नैक्सट कहते बट 95th क्वेश्चन है बट डिलेड अंटिल अक्यूज, ये स्पीच दसी हुई कही है, ये कि अपने कंजक्शन है, इस सारे देखना पू डिटरमिनर प्रनाउन कंजक्शन प्रेपोजिशन ग्रामर सारी सोल्व करनी पे सोनू। ए टैक्सटबुक की करते हैं, कहते मोटीवेट करते हैं स्टूडेंट को, मोटीवेट्स द स्टूडेंट्स। अगे अपने एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर, ये भी उम्मीद क्वेश्चन आंसर देने आप खुद देख सकते, ये आप देख देने आप कुछ पार्ट ऑफ स्पीच ने, जिमें फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज, जिमें सिमिली हो गया सिंडोच, ओनोमेटोपिया हो गया, परसोनीफिकेशन हो गया, ये पूछा हुआ कि यूज हो सिमिली कितने हुआ लाइक या एज, मतलब जिथे वर्ड का कंपेरिजन किया होने कहने आप सिमिली अगर सेंटोड तो ओनोमेटोपिया, जिमें परसोनीफिकेशन है कि इनू किस लिए यूज करते हैं ह्यूमन एलीमेंट्स लिए, अभी मैटाफर आ जाता, मैटाफर भी होंगे कंपेरिजन है बट उत्थे आप लाइक एज यूज नहीं करते, ये सही ऑप्शन आऊ परसोनीफिकेशन आऊ, ये ह्यूमन एलीमेंट्स से। ये देख सकते हो तो ये है अपने 105 तक, फिर भी पैरे वाले क्वेश्चन लेने, नैक्सट को 106 तो आप स्टार्ट कर जा रहे हैं। कहते टीचर आस्क सार लर्नर्स टू कलैक्ट वर्ड्स फ्रेसिज ऑन वेरियस एस्पैक्ट्स दे सी एंड नोटिस इन देयर मार्केट्स एंड स्ट्रीट्स, लेटर द लर्नर राइट द वर्ड्स एंड फ्रेसिज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कस दैम इन द क्लास, वट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज। कहते एक टीचर ने एक टास्क दिता बच्चे को भी वो कलैक्ट कर वेड्स वर्ड्स से फ्रेसिज नो सारे तो जिते भी आप ऑल अराउंड इनवायरमेंट से देखते हैं, तो बाद चो उन्होंने करना नोट करनी कापी से लिख के लिया उ, ठीक है। इनू की कहे आप, फर्स्ट ऑप्शन है टॉपिक वर्ड लर्निंग, सैकेंड ऑप्शन है जनरल बेस्ड वर्ड्स, थर्ड एक्टिव वोकैबलरी, फोर्थ ऑप्शन है थमैटिक वोकैबलरी लर्निंग, इन्हों का सही ऑप्शन है फोर्थ, इन्होंने कहने आप थमैटिक वोकैबलरी लर्निंग, वो खुद सीखेंगे वो न्यू न्यू वर्ड इनवेंट करेंगे खुद एक्सपीरियंस ना, इसमें कहने थमैटिक वोकैबलरी लर्निंग। नैक्सट है 107 कहते वट डज सी एल आई एल स्टैंड फॉर, ये अपन यदि फुल फॉर्म पूछी हुई थी, इस फुल फॉर्म आऊगी कॉन्टैक्सट फॉर लैंगुएज इंटीग्रेटेड लर्निंग, फोर्थ ऑप्शन की है ये करैक्ट, कॉन्टैक्सट फॉर लैंगुएज इंटीग्रेटेड लर्निंग। नैक्सट क्वेश्चन है 108 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट, कहें कि स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है रिसेप्टिव वोकैबलरी आर वर्ड्स वी स्कीप स्पीक एंड प्रोडक्टिव वोकैबलरी आर वर्ड्स वी हीयर, कहते रिसेप्टिव वोकैबलरी कि जी आप बोलते हैं तो प्रोडक्टिव वोकैबलरी कि जी आप सुनते हैं, उल्ट दे रखे ऑप्शन गलत अपना। नैक्सट है कहते रिसेप्टिव वोकैबलरी आर वर्ड्स वी रिकोगनाइज वैन वी हीयर और सी एंड प्रोडक्टिव वोकैबलरी आर वर्ड्स वी स्पीक और राइट, हाँ ये सही ऑप्शन है। रिसेप्टिव मतलब की है रिसीव करना, मतलब जो आप सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, वर्ड्स उन्होंने कहने आप रिसेप्टिव वोकैबलरी, तो प्रोडक्टिव वोकैबलरी की है कुछ कुछ बोलते आप किसी को सुना रहे हैं या लिख रहे हैं उन्होंने कहने आप प्रोडक्टिव वोकैबलरी, यह सही ऑप्शन की है सैकेंड। नैक्सट क्वेश्चन है 109 ए टीचर डिवाइड्स आर क्लास इन टू ग्रुप्स ऑफ फोर एंड रीड आउट आ टैक्सट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंसिस, लर्नर लिसन टू एंड जो डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेसिस, द टीचर रीड्स आउट द टैक्सट सैकेंड टाइम, दे लर्नर डिस्कस इन ग्रुप्स द जोटर डाउन वर्ड्स एंड रिक्रिएट द टैक्सट नियर टू द वन रीड आउट बाय द टीचर, वट दिस टास्क नाउन एज, कहते हूँ टीचर है उन्हें ग्रुप्स बनाते फोर ग्रुप्स बनाए, उन्हें टैक्स रीड किया 6 सेंटेंसिस का, तो जो कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करते इंपोर्टेंट वर्ड्स से जोड़े फिर जा फ्रेसिस से, तो बच्चे को यह दोबारा रीड करके उन्होंने बारे डिस्कस करने बारे क्या, कहते टास्क में की कहेंगे, कंपोजिशन डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन, पंक्चुअल डिक्टेशन, रियल डिक्टेशन, डिक्टेशन का पार्ट ने, ये आऊ कंपोजिशन डिक्टेशन की है करैक्ट आंसर। नैक्सट ऑप्शन है इंटेंसिव रीडिंग रेफरस टू, हूँ देखो दो तरह की रीडिंग होंगी, एक इंटेंसिव रीडिंग होंगी, एक एक्सटेंसिव रीडिंग होंगी, इंटेंसिव रीडिंग ही होंगे रीडिंग अ टैक्सट फ्रॉम डिटेल्ड इनफॉर्मेशन,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਵਲ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 111, ਨੋਇੰਗ ਆ ਵਰਡ ਮੀਨਸ। ਨੋਇੰਗ ਆ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਊ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਹਾਊ ਦਾ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਪੈਲਟ, ਹੂ ਸਪੀਕਸ ਦਾ ਵਰਡ, ਟੂ ਨਾਓ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਰਡ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਫਸਟ ਵਨ, ਹਾਊ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਯੂਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 112, ਵਿੱਚ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹ? ਇਮੈਜਿਨ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਯੂਅਰ ਡਾਇਰੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 100 ਵਰਡਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਨਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਵਨ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਨਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਲੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਂਸਰ ਹੋਣ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਓਪਨ ਕੁਸ਼ਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ 113, ਪੋਇਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਲਰਨ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਸਿਸ, ਟੂ ਲਰਨ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫੋਰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਟੂ ਰਾਈਟ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਪੋਇਟਰੀ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਫੋਰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। 114th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਏਮ ਐਟ। ਜਿਹੜੇ ਲਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਏਮ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੋਲਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਆਫ ਅਕੁਆਇਰਡ ਬਾਏ ਲਰਨਰ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਰਥ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲਰਨਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 115th, ਅ ਟੀਚਰ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਟੂ ਹਰ ਕਲਾਸ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟਸ, ਸ਼ੀ ਦੈਨ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਹਾਊ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਵਟ ਐਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਏਟਥ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਫੋਰਥ, ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਅਸਾਈਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਲਸ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ NCF 2005 ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਇਲੇਟਸ ਦਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 117, ਏ ਰੀਡਰ ਯੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਅਰ ਨੌਲੇਜ, ਮੇਕਸ ਸਮੈਂਟਿੰਗ ਕਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੇਟਿਕ ਕਿਊਜ਼, ਦੈਨ ਮੂਵਸ ਟੂ ਅਦਰ ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵਟ ਮੋਡਲ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਰੀਡਰ ਹੇਅਰ ਅਡੋਪਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਬੋਟਮ ਅਪ ਮੋਡਲ, ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਲ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡਲ, ਹੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਡਲ। ਇਹਦੇ ਬੋਟਮ ਅਪ ਮੋਡਲ ਅਤੇ ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਮੋਡਲ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬੋਟਮ ਅਪ ਮੋਡਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰੇਸਿਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਟਮ ਅਪ ਮੋਡਲ।
टॉप डाउन च मॉडल च अलग चीज़ होंगी है, यह सही ऑप्शन होगा टॉप डाउन मॉडल, क्योंकि आप रीडर प्रीयर नॉलेज यूज़ करके उन्हों हिंट दें ताकि वह जज कर सके। ठीक है, इनू कहने पर टॉप डाउन मॉडल। नैक्सट क्वेश्चन है 118 कहें ड्रिलिंग इज़ अ टीचिंग लर्निंग टेक्नीक और अ स्ट्रैटेजी इन डैश। ड्रिलिंग एक टेक्नीक होंगी है लर्निंग करने लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस लंसट्रक्टिव लैंगुएज टीचिंग, स्ट्रक्चरलिजम कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग लैक्सीकल अप्रोच लिए, सही ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिजम। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंगुएज लर्निंग, इन्होंने जो कि स्टेटमेंट कहते हैं ट्रू है लैंगुएज लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट लैंगुएज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सैकेंड लैंगुएज, है फर्स्ट लैंगुएज इंटरफेयर करती है जो आप सैकेंड लैंगुएज सीखनी हो। फर्स्ट लैंगुएज सपोर्ट्स आर लर्निंग ऑफ सैकेंड लैंगुएज, फर्स्ट लैंगुएज सपोर्ट करती है सैकेंड लैंगुएज सीखने लैंगुएज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेंट लर्निंग, लैंगुएज लर्निंग कुछ नहीं कर सकती जो भी कोई कंटेंट की लर्न करनी हो। एवरी लैंगुएज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंगुएज इज आलसो डिक्रीज, रिक लैंगुएज कहें अलग है तो अलग अलग तरीके ने उन्होंने सीखने। सैकेंड ऑप्शन करैक्ट आऊ फर्स्ट लैंगुएज सपोर्ट करती है सैकेंड लैंगुएज सीखने। हूँ देखो आप मात भाषा अपनी सीखी हो जिमें हिंदी सीख ली आप बाद आप इंग्लिश ईजीली सीख सकते हैं वो हैल्प न। ठीक है, जब पंजाबी होगी पंजाबी तो हिंदी सीख सकते आप ईजीली। नैक्सट क्वेश्चन है 120 अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर का। मल्टीलिंगुइज्म इज एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट, मल्टीलिंगुइज्म का रिसोर्स एजुकेशन एम कहता करता कहते मेकिंग यूज ऑफ लैंगुएज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, मेकिंग लर्नर्स लर्न एज फैमिली लैंग्वेज एज पॉसिबल, यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर, यह सही ऑप्शन होगा फर्स्ट मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग। बच्चों को देखो मल्टीलिंगुइज आप सारी भाषा आते हो तो अपना क्लास में कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं बच्चों को सिखाने लिए। ठीक है, इसलिए मल्टीलिंगुइज एक तरह रिसोर्स का काम करती है एजुकेशन। ओके गाइज, थैंक यू, अज्ज दा सैशन इत्थे तक सी, जे वीडियो वधिया लगी होए लाइक शेयर जरूर करो, थैंक यू गाइज।